आज हम आपको लेकर चलते हैं 1930 के दशक के शुरुआती दिनों में, जहां दुनिया बदल रही थी और भारत भी इस बदलाव से पूरी तरह से वाकिफ था। धीरे धीरे भारत भी इस बदलाव की ओर बढ़ रहा था। वहीं हमारा भारत देश ब्रिटिश हुकूमत के साए तले अपने बदलाव को देख रहा था। क्या था वो बदलाव, आज उसी की हम बात करेंगे। भारत में कुछ ऐसा हो रहा था जिसने न केवल देश की दिशा बदल दी, बल्कि इतिहास के पन्नों में अपना एक नया अध्याय भी जोड़ दिया। और इस बदलाव की राह देखते देखते हमारे देशवासी को 1932 के दशक तक का इंतजार करना पड़ा। हालांकि शुरुआत तो 1930 दशक से हो चुकी थी, लेकिन वो कहते हैं ना, हर एक बदलाव के लिए इंतजार तो बनता है। हुआ भी वही। अब हो चुका था इंतजार खत्म, आ गया था वो सुनहरा दिन। 8 अक्टूबर 1932 की वो सुनहरी सुबह थी, जब भारत ने अपनी सेना को एक नया आयाम देते हुए भारतीय वायुसेना की स्थापना की। वहीं बता दें कि इसकी शुरुआत साधारण नहीं थी। लंदन के एक छोटे से कार्यालय में कुछ ब्रिटिश अधिकारी बैठे थे, जिनके सामने चुनौती थी एक ऐसे देश के लिए वायुसेना का गठन करना, जिसके लिए जमीने ही नहीं बल्कि आसमान भी अनजान था। उन्होंने सोचा तो यही था कि एक छोटा सा प्रयोगात्मक प्रयास होगा, लेकिन हकीकत कुछ और ही निकली। अब बताते हैं इसकी शुरुआत के दिनों की कहानी। शुरुआत में भारतीय वायुसेना के पास सिर्फ 4 पुराने बाइप्लेन विमान और 6 पायलट थे। इन पायलट में से एक थे 22 साल के हरी सिंह, जो आसमान की ऊंचाइयों को छूने के सपने देखते थे, और उनका सपना भी साकार हो गया। वहीं उनके साथियों का भी यही मानना था कि ये बस एक सरकारी औपचारिकता है, लेकिन हरी के लिए ये कुछ और ही था। जब उन्होंने पहली बार अपना विमान उड़ाया, तो वह केवल मशीन नहीं थी, बल्कि उनके सपनों के पंख थे। कहीं ना कहीं उनके साथी भी ये जानते थे कि ये सिर्फ शुरुआत थी, अभी असली चुनौती तो आगे देखने बाकी थी। अचानक जब 1939 में द्वितीय विश्व युद्ध की आग भड़क उठी, तो पहली बार भारतीय वायुसेना को हकीकत में आजमाया गया, और फिर यहीं से शुरू हुआ वह सफर जिसने भारतीय वायुसेना को महानता की राह पर लाकर खड़ा किया। हर एक उड़ान के साथ हरी और उनके साथियों ने यह प्रमाणित किया कि भारतीय पायलट्स के हौसले उस धुएं से कहीं ज्यादा ऊंचे थे जो युद्ध के मैदान में उठता था। वे न केवल अपने दुश्मनों का सामना कर रहे थे, बल्कि एक नई पहचान भी कर रहे थे। एक ऐसी पहचान जो आने वाले समय में भारत की सुरक्षा और गर्व का प्रतीक बन गई। और यही वह समय था जब भारतीय वायुसेना ने अपनी उड़ान को असली मायने दिए और आसमान उनका मैदान बन गया। भारतीय वायुसेना दिवस हर साल 8 अक्टूबर को मनाया जाता है। यह दिन भारतीय वायुसेना की स्थापना और उसके द्वारा निभाई गई भूमिका का प्रतीक है। भारतीय वायुसेना ने देश की रक्षा और सुरक्षा में अहम भूमिका निभाई है। इस दिन भारतीय वायुसेना के शौर्य, पराक्रम और समर्पण को पूरे देश में सलाम किया जाता है। पहले भारतीय वायुसेना की स्थापना 8 अक्टूबर 1932 को ब्रिटिश साम्राज्य के तहत हुई थी और इसे रॉयल इंडियन एयर फोर्स के नाम से जाना जाता था। लेकिन 1950 में भारत के गणराज्य बनने के बाद इसे भारतीय वायुसेना का नाम दिया गया। वहीं आपको बता दें कि वायुसेना का मुख्य उद्देश्य जो है, वो है भारत की वायु सीमाओं की रक्षा करना और जरूरत पड़ने पर दुश्मनों से सामना करना। समय के साथ भारतीय वायुसेना ने अपनी शक्ति, क्षमता और तकनीक प्रगति में काफी महत्वपूर्ण सुधार कर लिया है। वैसे आपको बता दें कि भारतीय वायुसेना ने कई प्रमुख युद्धों, ऑपरेशनों में अपनी शक्ति और क्षमता का प्रदर्शन किया है। इनमें से 1947-48 का भारत पाकिस्तान युद्ध, 1965 और 1971 के भारत पाकिस्तान युद्ध, 1999 का कारगिल युद्ध और विभिन्न शांति अभियानों में भागीदारी शामिल है। इसके अलावा IAF ने प्राकृतिक आपदाओं जैसे कि भूकंप, बाढ़ और अन्य आपातकालीन स्थितियों में
राहत सामग्री और बचाव कार्यों में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। वहीं हम बात करें इस समय हमारी भारतीय वायुसेना कितनी प्रभावशाली है, तो इसका अंदाजा हम इससे लगा सकते हैं कि वर्तमान में भारतीय वायुसेना दुनिया की चौथी सबसे बड़ी वायुसेना मानी जाती है। इसमें अत्याधुनिक फाइटर जेट्स, हेलीकॉप्टर और परिवहन विमान शामिल है, जिनमें सुखोई SU-30 MKI, राफेल, MiG-29 और तेजस जैसे उन्नत विमान शामिल है। इसके अलावा वायुसेना के पास हवाई निगरानी और युद्ध में उन्नत तकनीकों का इस्तेमाल करने की क्षमता है। अब जानते हैं कि किस तरह से हम हर साल वायुसेना दिवस मनाते हैं। तो हर साल गाजियाबाद के हिंडन एयरबेस में एक भव्य परेड पर हवाई शो आयोजित किए जाते हैं। इस समारोह में भारतीय वायुसेना के लड़ाकू विमानों का हवाई करतब, सैन्य परेड और विभिन्न हेलीकॉप्टर और परिवहन विमान शामिल होते हैं। इस दौरान वायुसेना के अद्वितीय योगदान को सम्मानित किया जाता है और विभिन्न मेडल्स और पुरस्कार प्रदान किए जाते हैं। वैसे तो भारतीय वायुसेना के कई वीर योद्धाओं ने अपनी अद्वितीय साहस और बलिदान से देश की रक्षा की है। इनमें स्क्वाड्रन लीडर अजय आहूजा, एयर चीफ मार्शल अर्जन सिंह और फ्लाइट लेफ्टिनेंट अभिनंदन वर्धमान जैसे नायक शामिल है, जिन्होंने अपने कार्यों से देश की रक्षा में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। भारतीय वायुसेना दिवस न केवल वायुसेना के योगदान को मनाने का अवसर है, बल्कि यह हमें देश की सुरक्षा और सशक्तिकरण के प्रति उनके दृढ़ संकल्प और बलिदान को भी याद दिलाता है। भारतीय वायुसेना देश की गौरव और शक्ति का प्रतीक है। वायुसेना दिवस न केवल हमारे सुरक्षा बलों के प्रति सम्मान व्यक्त करने का दिन है, बल्कि यह उन लाखों नागरिकों को भी प्रेरित करता है जो देश की सेवा में अपना योगदान देना चाहते हैं। फिलहाल आज के लिए इतना ही, जल्द मिलेंगे एक और नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए आप बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए जनता दरबार न्यूज। नमस्कार।